हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। या अभी हुआ है 5:30। अभी थोड़ा सा दिन है और मैं सुबह सुबह आ चुका है। उसे भी मैं खिला चुकी हूँ, बट उसको बोल रही हूँ थोड़ा टाइम जाके बाहर खेल लो। वो नहीं, टीवी चल। हाँ वो वही बोल रहा था, मम्मा मैं बाहर चले जाऊं खेलने के लिए। मैं हाँ बोला तो नहीं, वो अभी बॉल खेल रहा है। थोड़े टाइम नहीं खेलेगा तो भी अच्छा नहीं ना, वो स्कूल में क्या करते है क्या नहीं तो पता भी नहीं। और चलिए, वो अभी खाना खा चुका है। मुझे पीनी है चाय। मैं हमेशा चाय के टाइम ही आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अकेला अकेला लगता है यार। मैं क्या करूँ, मुझे कंपनी देने के लिए कोई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद ही चाय पीती हूँ, वो मुझे अच्छा लगे। फिर से क्या हो गया? शुभ्र जीत यहाँ पे है, वो फूंक रहे फुगा। छे हाय देखो तो कौन आएगा, किसके पास क्या आया देखो। बॉयस, और वहां पे मैं चाय डाला है, वो हो जाए तो मैं आपके साथ एक गुड न्यूज भी शेयर करूंगी। वो मेरे लिए तो गुड न्यूज ही है, मैं बाद में बताती हूँ। गाइस, मैं अभी आ चुकी हूँ मेरा किचन में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम किया है। और ये है मशरूम, मैं इसको अभी फ्राई कर दूँ। सुबह का स्टडी खत्म हो चुका है और वो अभी खेल रहा है। सुबह का स्टडी कराते करते मैं मशरूम का कट कर लिया, और उसी बीच ये मसाले भी मैं प्रिपेयर कर लिया है। ये मैंने ज़्यादा किया है क्योंकि मुझे चाहिए, और मैं बना ही नहीं पाती हूँ, कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं आज सोचा कि नहीं मुझे करके रखना है। तो सुबह स्टडी करने के अंदर ही मैं ये सब काम कर लिया, और मैं आज बनाऊंगी मशरूम की करी। और वैसे क्या कर रहे बच्चा, छोड़ के आती हूँ ना, वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। और मैं आपको बोला था कि एक गुड न्यूज है, अभी दिखाती हूँ। वो मेरे लिए तो गुड न्यूज ही है। मैं आपको कल बोला था ना, यहाँ पे चींटियां हो गए हैं, आज सारा चींटी निकल गए।
उसका रीजन मैं बताऊंगी कैसे हुआ। और वो मेरे फ्रेंड है, उसने मुझे याद दिलाया, मेरे पास था बट मुझे याद ही नहीं था। और ये सारा ये तो मैं बरसों ही यहाँ पे येलो पाउडर टर्मरिक पाउडर डाल डाल के इसको खराब कर दिया है। मेरा और अभी डांटेंगे, कुछ भी नहीं है, आज चिट्ठी बिल्कुल नहीं है। पाउडर है जो बोलते हैं ना सब कुछ भगा देता है। मैं जब बापटला में थी वो पाउडर मुझे कोई बोला था तो वो करण लेके आई। मैं जो रूम में बापटला में थी वहाँ पे दरवाजे को ऊपर ऐसे कीड़ा हो जाता था, उई उई, मैं तो पता है उई और क्या है मुझे नहीं पता। और एक मिनट, मुझे तो पता है उसे हुई बोलते हैं बट मुझे और उसका नाम नहीं पता है क्या बोलते हैं। और वो उसको मिटाने के लिए मुझे वहाँ पे एक फ्रेंड ने ऐसे बोला था कि इसको ला के लगाओ तो ये कीड़े भाग जाएंगे। तो मैं लगाया था, सीरियसली भागे थे, बट जितना दिन मेडिसिन का पावर रहता है ना एक दो दिन तक वो भाग जाते हैं फिर से हो जाते थे। वो मैं ज़्यादा परेशान थी वो घर को लेकर। यहाँ पर आया तो चींटियाँ बहुत बार ऐसा हुआ है, चींटियाँ आ जाते हैं ऐसे निकल जाते हैं बट इसी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और निकलने का नाम ही नहीं लेते था। और वो आज मेरे फ्रेंड ने वही बोला कि ऐसा है वो, ये है उसका पेपर, ये एक मेडिसिन का पेपर है, मैं अभी हाथ धोना पड़ेगा मुझे। और एक मिनट, रामबाण, क्या लिखा है, रामबाण गोल्ड 5190 ऐसा कुछ है, रामबाण गोल्ड कुछ लिखा है। तो ये है वो, यहाँ पे भी चिट्टी कॉकरोच जहाँ जहाँ पे निकलते हैं ना सारा कीड़े मकोड़े वहाँ पे ये सब डाल दे तो नहीं होते। मेरे पास ये आधा था, आधा पैकेट में वहाँ पे दिया था और आधा पैकेट ही था बट ये कहाँ पे था मुझे भी पता नहीं था। शिफ्टिंग के टाइम में ये सब चीज़ को थोड़ा सा सेफली लाती हूँ क्योंकि ये सब मॉर्निंग से हो रहा था। ये यही वो है जो मेरे लिए गुड न्यूज है। मैं एकदम से खुश हो गई जैसे देखा कि चिट्ठियाँ सारा भाग गई, भाग नहीं गए, आधे के बाद तो मर गए और आधा कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, ऐसे आते हैं जाते हैं पता नहीं चलते। और यहाँ पे मैं मशरूम फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के किया है और मैं अभी मसाला कर दूंगी और इसको करी बनाने के बाद रोटी भी करना है। चलिए मैं किचन का काम थोड़ा सा निपटा देती हूँ। और मेरा हेडेक हो रहा है, आइस पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और मैं कल ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया, बीच में ही रह गया, वो तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया। जैसे मैं शाम को जब भी सुबह को स्टडी करने के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया तो आपको बोला कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो मुझे हेडेक जब भी होता है तो मेरा तबीयत एकदम से ख़राब हो जाता है, आई स्पेन करना लगता है और बॉडी एकदम से सून हो जाता है और वोमिटिंग भी हो गया। तो इसीलिए तो गर्मी भी ज़्यादा था, गर्मी जब भी ज़्यादा हो जाता है तो मुझे भी ऐसा परेशानी होता है। ये सब था जो मैं कल करी, बहुत मैं करी बहुत क्या बोलती
मैं कल करी बहुत ही तकलीफ से बनाया वो एंड किया। मैं जस्ट क्या अनियन टमाटो ये सब डाल दिया, तो मैं जब अनियन टमाटो ये सब फ्राई कर रही थी तभी से मुझे हाथ पे जैसे ठंड होने लगा, तो मुझे लगा कि कुछ तो होने वाला है। और तब तक तो मेरा सर दर्द तो इतना ज्यादा हो गया था, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो ऐसा हो रहा है। और चलिए उसके बाद मेरा वोमिटिंग हो गया, और मैं आके करण को फोन किया कि आप आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो आ गए और थोड़ा सा हेल्प किए। उसके बाद हम लोग खा के सो गए। और कल तो मैं और कुछ नहीं कर पाया और आज मॉर्निंग से जैसे मेरा काम होता है वैसे ही किया। और सुबह जाने के बाद मैं मेरा ब्रेकफास्ट और चाय पी के लैपटॉप पास बैठी रही थी तो नींद आ गई। थोड़ा सा ऐसे चेक करती हूँ तो मॉर्निंग के टाइम तो मुझे नींद आता ही आता है। आपको जैसे मैं पहले से बोला था ये गंदा आदत मुझे छोड़ के नहीं जाता है। तो अभी तक मैं सो रही थी, 11:30 हो गया है, मैं आई थिंक 9:30 से मैं अभी जाऊंगी कपड़ा भिगोने। और आज ये ब्लॉग को मुझे एंड भी करना है, देखते हैं क्या क्या होते हैं। मैं आज ऐसा कुछ प्लानिंग भी नहीं किया है, देखते हैं। बाय।